आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। बिहार में एक तरफ जहां बालू खनन पर पूरी तरह रोक लगी है तो दूसरी ओर अवैध तरीके से बालू का खनन भी जारी है। अगर बात करें पटना और भोजपुर जिले की तो इन दिनों अवैध तरीके से बालू खनन चल रहा है। अवैध खनन में लगे आधा दर्जन मजदूर दब गए। पूरी घटना पटना और भोजपुर सीमा की बताई जा रही है, जहां सोन नदी पटना एवं भोजपुर सीमा पर बेहटा के सुरौंदा के समीप अवैध बालू खनन के दौरान बालू अरार धंसने से 6 मजदूर दब गए हैं, जिसमें मनेर निवासी एक मजदूर की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बेहटा, मनेर, छपड़ा आदि के कुछ मजदूर नाव पर बालू लादने के लिए गए थे। इसी दौरान सुरौंदा के समीप बालू लदाई के दौरान ही अरार धस गया, जिसमें आधा दर्जन लोग दब गए, जिसमें मनेर के ध्वजा टोला निवासी शिव पूजन राय का पुत्र राम कुमार की मौत हो गई, जबकि अन्य जख्मी को इलाज के लिए निजी चिकित्सक के पास भर्ती कराया गया। हालांकि बेहटा थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन घटना किस थाना क्षेत्र की है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और न ही मजदूरों का परिवार सामने आया। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस जाँच कर रही है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।